अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बेंटन का एलियन बनाना सिखाऊंगा जिसका नाम है वार्कथ्रोट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जितने अभी तक मेरा चैनल किड्स आर सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूले ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो क्या मूवीज आप रेडी हैं? यस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमने यूं करके एक लाइन ड्रॉ करनी है। जदान आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। आपने ड्रॉ कर ली? यस। तो उसके बाद हमने इसके कुछ ही फासले पर एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। और उसके बाद हमने एक स्ट्रेट स्मॉल एक लाइन ड्रॉ करनी है इसका कर्व लाइन के ऊपर। और फिर हमने एक यू लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमने एक और स्मॉल लाइन यू करके ड्रॉ करनी है। और फिर उसके साथ यू करके एक और छोटी स्मॉल लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और इसके बाद हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर उसके साथ एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है थोड़ी सी तिरछी हो। फिर उसके बाद एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। फिर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर उसके बाद एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। और फिर उसके बाद हमने जूम करके एक वर्टिकल तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम इसकी टंग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमने यूं करके एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर इसके बाद हमने यूं करके एक और लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमारी ये टंग कंप्लीट हो चुकी है।
अब हम इसकी आइस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे थोड़ा सा रेस करना है। और फिर हमने इसके यहाँ पे एक सर्कल बना देना है। भाई मैंने इसे लियन को बैंटन के कार्टून में कई बार बनते हुए देखा है। हाँ मैंने भी इसे कई बार बैंटन कार्टून में बनते हुए देखा है। अब हमने इसके अंदर एक और सर्कल ड्रॉ करना है। अब हम इसकी आई के यहाँ पे पेंसिल कलर फिल कर देंगे। अब हम इसकी सेकंड आई बनाएंगे। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब हमने इसके अंदर एक और स्मॉल सा सर्कल ड्रॉ कर देना है। अब हमने यहाँ पे पेंसिल कलर फिल कर। अब हमने इसके नीचे एक मुंह करके लाइन ड्रॉ करनी है। तो फिर उसको लंबा करते हुए हमने इस लाइन के साथ ज्वाइन कर दिया। अब हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यूं करके एक लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर हमने इसके बाद एक और यूं करके लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके ये जिस तरह की ये की थी उस तरह की ड्रॉ करनी है। और फिर हमने इस लाइन को लंबा करके यूं कर देना है। अब हमने इसके साथ एक और लाइन ड्रॉ करनी है।
अब हमने इसके ऊपर के टू लाइंस ड्रॉ करनी है। फिर हमने एक और यूं करके लाइन ड्रॉ करनी है और फिर एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है टू, और फिर हमने एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है टू, फिर उसके बाद एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और फिर उसके बाद एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमने इसके यहाँ से रेस कर देना है। और अब हमने इसका ऑमेट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है। ओवल शेप ड्रॉ करनी है। और अब हमने इसके ऊपर के ओवल शेप को कर देना है। अब हमने इसके अंदर व्यू कर देना है। इस तरह का बैंटन की वाच का स्टाइल होता है। अब हम इसका पहला फुट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यूं करके एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर उसके साथ एक और लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन उससे थोड़ी लॉन्ग हो। और फिर उसके साथ एक यूं करके लाइन ड्रॉ करनी है और फिर उसको यूं कर देना है। अब हमने इसके फुट के नीचे मुंह कर देना है, कुछ लाइन लगानी है। अब हम इसका दूसरा फुट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ से थोड़ा सा रेस करना है और फिर यूं करके एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर उसके साथ एक और लाइन ड्रॉ करनी है। फिर हमने उसके साथ एक यूगर के लाइन ड्रॉ करनी है और फिर उसके साथ यूगर के और लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसको मैं थोड़ा सा कर दें थर्ड लाइन ड्रॉ करनी है इसके साथ। और फिर उसके बाद हमने इसको यूं कर देना है और फिर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हमने इसकी टेल बनानी है। तो सबसे पहले हमने करके कर्व लाइन ड्रॉ करनी है और फिर उसके नीचे भी एक और कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। तो फिर यहाँ पे एक और कर्व लाइन ड्रॉ करनी है और फिर उसके साथ एक और कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। फिर इन दोनों लाइन्स को ज्वाइन करते हैं। अब हमने उसके हैंड बनाने के लिए यहाँ से थोड़ा सा रेस करना है।
फिर करके कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। तो फिर उसके नीचे एक और कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर इसके जो बेल्ट है उसके यहाँ पे एक रूम करके लॉन्ग सी ड्रॉ करनी है। फिर जूम करके उसके यहाँ पे एक न्यू लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर जूम करके जूम कर दें। अब हमने इसके बाद जूम करके यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब हम इसमें पॉइंटर करेंगे। हमने इसके ऊपर पॉइंटर कर लिया है। अब हम इसमें कलर करेंगे। अब हमने इसकी आईज में लाइट ग्रीन कलर करना है। अब हमने इसकी आईज में लाइट ग्रीन कलर कर लिया है। अब हम इसकी वाट में भी लाइट ग्रीन कलर करेंगे। अब हमने इसकी आईज में लाइट ग्रीन कलर कर लिया है। अब हम इसकी वाच के सेंटर में भी लाइट ग्रीन कलर करेंगे। अब हम इसकी टांग में पिंक कलर करेंगे। अब हम इसकी बेल्ट में डार्क ग्रीन कलर करेंगे। इसकी बेल्ट में डार्क ग्रीन कलर कर लिया है। अब हम इसकी बॉडी में लाइट ब्लू कलर करेंगे। अब हमने इसकी बॉडी पे लाइट ब्लू कलर कर लिया है। अब हम इसकी टेल, हैंड और लेग में भी लाइट ब्लू कलर करेंगे। अब हमने इसकी पूरी बॉडी में लाइट ब्लू कलर कर लिया है। अब हम इसका नाम लिखेंगे। अब हमने इसका नाम लिख लिया है। तो इसके नाम की स्पेलिंग है WALKTROUT, वाक ट्राउट। सही है, वाक ट्राउट। तो इसका नाम है वाक ट्राउट। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।